नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सेना के लिए हथियार और गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से 26 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया था। इस ऐलान के बाद सरकार ने जरूरी रक्षा सेवाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लेकर आई है। कानून मंत्रालय की ओर से जारी आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 पर एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के रक्षा उपकरण, सेवाओं और संचालन या रखरखाव के उत्पादन में लगे कर्मचारियों के साथ साथ मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत कर्मचारी रक्षा उत्पाद अध्यादेश के दायरे में आएंगे। गजट अधिसूचना में कानून मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इस अध्यादेश के तहत अवैध हड़ताल शुरू करता है या ऐसे किसी भी हड़ताल में हिस्सा लेता है, उसे एक अवधि के लिए जेल में दंडित किया जा सकता है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकता है, या दोनों। आपको बता दें, 16 जून को कैबिनेट ने 41 OFB के निगमीकरण की घोषणा की थी। OFB की भंग 7 कॉरपोरेशन ने फैसला लिया है। OFB को निगमित करने के कैबिनेट के फैसले के खिलाफ वहां काम कर रहे करीब 74,000 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था। इनका कहना है कि यह फैसला देश हित में नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जुड़ी मान्यता प्राप्त तीनों फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को लेकर बैठक करेंगे। हालांकि इनके कर्मचारियों का कहना है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, यानी 26 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।